की सरकार के एजेंडे में बड़ी प्रभावी ढंग से देश की आधी आबादी को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन चार जातियों की चर्चा की, उनमें से गरीब है, महिला है, अन्नदाता किसान है और नौजवान है, तो उसमें से महिला को भी उन्होंने इस जाति में शामिल करके सम्मान दे करके 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृवंदना अभियान से लेकर के और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था, कहीं तीन तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है, दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो, हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होता है। बहनों, हम इस बात को देखते हैं, ये काशी है, 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। एक दिव्य और भव्य काशी के रूप में, नव्य काशी के रूप में काशी आज इस बात पर गौरव की अनुभूति करती है कि हमने भी देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री देकर के दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला नेता, आज हमार काशी, हमार मोदी के संकल्प के साथ काशी की आधी आबादी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ जुड़ी हुई है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल करके आज काशी में आए हैं। मैं काशी वासियों की ओर से आप सभी